भारत में क्रिकेट देखने वाले और क्रिकेट खेलने वालों की कोई कमी नहीं है। भारत एक ऐसा देश है जहां हर कोई किसी ना किसी तरह से क्रिकेट से जुड़ा हुआ है। अगर कहा जाए कि भारत में क्रिकेट को धर्म माना जाता है तो ये गलत नहीं होगा। भारत में हर क्रिकेटर का सपना होता है कि वो इंडिया से खेले। इस सपने को हर क्रिकेटर देखता तो है, पर पूरा सिर्फ कुछ ही लोगों का हो पाता है, क्योंकि इंडिया में अच्छे और मेहनती क्रिकेटर्स की कोई कमी नहीं है। इसलिए इंडिया से सिर्फ वही खेल पाते हैं जो सबसे बेहतर होते हैं। हाल ही के कुछ सालों में इंडिया को क्रिकेटर्स देने में आईपीएल ने भी अहम भूमिका निभाई है। आईपीएल जैसे बड़े स्टेज पर खिलाड़ी को इंटरनेशनल खिलाड़ियों के खिलाफ खेलने का मौका मिलता है, जिससे उनका टैलेंट और भी निखर कर सामने आता है। आज की इस वीडियो में भी हम एक ऐसे ही टैलेंटेड खिलाड़ी के बारे में बात करेंगे, जिसने पिछले कुछ सालों में न केवल इंडिया में बल्कि डोमेस्टिक क्रिकेट में भी लगातार शानदार प्रदर्शन किया है और अपने आप को लगातार साबित करके इंडियन क्रिकेट टीम में जगह बनाई है। हम बात कर रहे हैं इंडियन क्रिकेटर मयंक अग्रवाल की, जिन्होंने हाल ही में आईपीएल के एक मैच में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ शतक जड़कर दिखा दिया था कि वे कितने टैलेंटेड बल्लेबाज हैं। मयंक अग्रवाल ने ग्राउंड के चारों ओर शॉट्स लगाए, जिसमें उनकी प्रतिभा बखूबी नजर आई। भले ही उनकी टीम ये मैच हार गई हो, पर उनके शतक ने सबका दिल जीत लिया। इस कमाल की बल्लेबाजी के पीछे मयंक की सालों की मेहनत है, जो वो कर रहे थे, जिसका परिणाम आज हम सबको दिख रहा है। मयंक अग्रवाल का जन्म 16 फरवरी 1991 को कर्नाटका के बैंगलोर शहर में हुआ था। उनके पिता का नाम अनुराग अग्रवाल है। मयंक को भी बाकी बच्चों की तरह ही बचपन से ही क्रिकेट खेलना काफी पसंद था और वो अक्सर अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलते रहते थे। जैसे भारत में उस समय हर कोई सचिन तेंदुलकर को देखकर क्रिकेट खेलना शुरू करता था, ठीक वैसे ही मयंक भी सचिन से काफी इंस्पायर्ड थे और उन्होंने भी उनको ही देखकर क्रिकेट खेलना शुरू किया था। मयंक कम उम्र से ही कमाल की बल्लेबाजी करते थे, इसीलिए जब वह बिशप कॉटन बॉयज स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे तो स्कूल की टीम की ओर से खेलते हुए भी उन्होंने अपनी टीम को कई मैचेस जिताए थे, जिस वजह से वे अपनी लोकेलिटी में काफी पॉपुलर होने लगे। इसके बाद वे अंडर 19 कूक बिहार ट्रॉफी में अपने प्रदर्शन की वजह से लाइमलाइट बटोरने में कामयाब रहे। इस प्रदर्शन के चलते 2010 में उनको आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में इंडिया की अंडर 19 टीम से खेलने का मौका मिला। इस टूर्नामेंट में मयंक अग्रवाल ने काफी शानदार प्रदर्शन किया। इस टूर्नामेंट में वे इंडियन टीम के लीडिंग रन स्कोरर रहे। 2010 के अंडर 19 वर्ल्ड कप में इंडियन टीम का प्रदर्शन इतना खास नहीं था, पर एक चीज जो इस टूर्नामेंट से अच्छी हुई थी वो थी मयंक अग्रवाल को पहचान मिलना। अंडर 19 में परफॉर्मेंस की वजह से उन्होंने 2010 में घरेलू क्रिकेट में डेब्यू किया। इसके अलावा वे कर्नाटका प्रीमियर लीग में भी खेले। जिनको नहीं पता उनको बता दें कि कर्नाटका प्रीमियर लीग भी एक T20 क्रिकेट लीग है जो आईपीएल की तर्ज पर बनाई गई है। इस सीरीज में खेलते हुए मयंक अग्रवाल को मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड मिला। उन्होंने इस टूर्नामेंट में एक शतक भी लगाया था, जिससे ये साबित हो गया कि वह कितने बेहतर T20 प्लेयर हैं। कर्नाटका प्रीमियर लीग में अच्छा प्रदर्शन करने की वजह से उनको आईपीएल में रॉयल चैलेंजर बैंगलोर टीम ने अपनी टीम में शामिल किया, जिसके बाद 2011 में उन्होंने अपना आईपीएल डेब्यू किया। उसके बाद से वह लगातार आईपीएल में नजर आते रहे, पर कभी भी वह अपनी असल पोटेंशियल पर नहीं खेल सके। अच्छी शुरुआत मिलने के बाद भी वह कई बार विकेट खो देते थे और ये उनके साथ आईपीएल में भी और डोमेस्टिक क्रिकेट में भी हर जगह हो रहा था। जो चमकता सितारा अंडर 19 के समय में लोगों को उनके अंदर दिख रहा था, वो अब गायब सा होता जा रहा था, और ये बात मयंक भी बेहतर ढंग से जानते थे। इसीलिए उन्होंने पहले तो अपनी फिटनेस पर खूब ध्यान दिया, जिसके साथ साथ उन्होंने अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को भी काफी स्ट्रांग करा और फिर मैदान में उतरे। 2017 के रणजी सीजन में उनकी मेहनत सबके सामने आई, जब उन्होंने रणजी ट्रॉफी के एक सीजन में 1000 से ज्यादा रन बना दिए। रणजी में कमाल का प्रदर्शन करने के बाद उनको 2018 के ऑक्शंस में किंग्स 11 पंजाब ने अपनी टीम में ले लिया। आईपीएल में उनका प्रदर्शन हर साल एवरेज ही रहा, पर घरेलू क्रिकेट में उनका प्रदर्शन नई ऊंचाइयों पर पहुंच चुका था, जिसकी बदौलत उनको 2018 में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध टेस्ट में डेब्यू करने का मौका मिला। टेस्ट में डेब्यू के बाद से वे लगातार टेस्ट में अपनी इंप्रेसिव फॉर्म जारी रखे हुए हैं। वहीं ओडीआई डेब्यू के लिए उनको थोड़ा इंतजार करना पड़ा और 2020 में 5 फरवरी को न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने अपना ओडीआई डेब्यू किया, जिसके बाद वे सीधे 2020 आईपीएल में नजर आए और पंजाब की तरफ से कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं वे अपनी कमाल की फॉर्म जारी रखेंगे और अपनी बल्लेबाजी से ऐसे ही हम सबको एंटरटेन करते रहेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको मयंक अग्रवाल की ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा।